How's the Josh? 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 नमस्कार मार्केट्स टुडे, दिवाली से पहले दिवाली में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ है मेरे मित्र सुमित मेहरोत्रा। और एक ऐतिहासिक दिन आज हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं, जबकि भारतीय बाजारों में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। बहुत बढ़िया दिन बुल्स के लिए और बहुत ही बुरा दिन बीयर्स के लिए। सुमित जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस आंकड़े से बताऊं कि कितनी जबरदस्त खुशी है बाजार में। आप देखिए कि 25 ऐसे इंडेक्स हैं जो 5% से ऊपर उठे हैं, 9.9% आपको टॉप गेनिंग इंडेक्स देखने को मिलेगा। 19 के 19 सेक्टर एफएनओ में आपको हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। 29 के 29 इंडेक्स हरे निशान में हैं और इतने जबरदस्त आंकड़े आपको इंडिसीज में देखने को मिल रहे हैं। 2,000 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिली है 2-3 इंडिसीज में। और ये सब इसलिए हुआ है कि ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, खासकर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। इतना और बहुत कुछ और हम बात करेंगे हेडलाइंस के बाद। A new provision has been inserted. Any domestic company an option to pay income tax at the rate of 22%. एक स्ट्राइक में वित्त मंत्री लाए 3 दशकों का सबसे बड़ा रिफॉर्म, बिना छूट कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22%। पीएम मोदी ने बताया ग्रोथ बढ़ाने का ऐतिहासिक कदम। टैक्स छूट के साथ इक्विटीज और डेरिवेटिव्स पर सरचार्ज लाया वापस, बायबैक पर 20% टैक्स से भी मिली राहत। भारतीय बाजारों को अब रीरेटिंग की उम्मीद, ग्लोबल बाजारों से कॉम्पिटिशन के लिए बना लेवल प्लेइंग फील्ड। निर्मला सीतारमन के बिग बोल्ड रिफॉर्म से बुल्स ने आज ही मनाई दिवाली। निफ्टी में 570 अंक चढ़कर दर्ज किया 10 साल का सबसे बड़ा गेन। दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक में अंकों के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखी, 2,000 पॉइंट्स की रफ्तार। सभी 12 शेयर्स में 5% से ज्यादा की बढ़त। हेवीवेट एचडीएफसी बैंक 9 हफ्तों की ऊंचाई पर और SBI और ICICI बैंक में भी 8-10% का इजाफा। FM के ऐलान से ऑटो शेयरों में दिखा सबसे ज्यादा जोश। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर। आयशर मोटर्स में 30 साल की सबसे बड़ी तेजी। हीरो मोटो मारुति में भी 10 साल का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल। और सरकार के इन ऐलानों को इंडस्ट्री ने बताया बिग एंड बोल्ड। अनिल अग्रवाल, उदय कोटक समेत तमाम दिग्गज एक ही सुर में बोले, इकोनॉमी को मिला है नया जोश। मुनाफे के साथ कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट साइकिल में भी आएगा सुधार। नमस्कार, आज बाजारों में ऐतिहासिक दिन है। जिस हिसाब से आपने रैली देखी है 29 के 29 इंडिसीज में, वो तारीफ़ काबिल है। जो चेंजेस आपको कॉर्पोरेट इंडिया में देखने को मिले उन पे सबसे पहले नज़र डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, किस हिसाब से आपको तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी पे अगर आप नज़र डालें तो लगभग 570 पॉइंट, जी हाँ 570 पॉइंट का इजाफा आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के क्लोजिंग लेवल पर, लगभग 11,274 के आसपास। जी हाँ, 5% आज हमारे बाजार ऊपर बंद हुए हैं और ये लगभग 3.75 महीने की हाई आपके सामने है। इसकी जो ट्रेडिंग रेंज थी आज लगभग 690 पॉइंट थी और इससे ज़्यादा तेज़ी आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली, 2,224 पॉइंट। जी हाँ, 8% आज निफ्टी बैंक में इजाफा देखने को मिला है, 8.2%। और ये इंडेक्स 28,981 के आसपास बंद होता हुआ। निफ्टी बैंक की जो आज ट्रेडिंग रेंज थी, दिन का उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर, उसमें लगभग 2,691 पॉइंट का इजाफा था। ये दोनों इंडिसेस दिन के अपने उच्चतम स्तर के आसपास बंद होते हुए, और जितने भी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज थे वो सिर्फ और सिर्फ बुल्स के फेवर में थे। ये आपके सामने आएंगे, लगभग 7:1 आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है, 12:0। जितने भी 12 बैंकिंग शेयर्स थे वो 5% से ऊपर आपको निफ्टी बैंक पे बंद होते हुए देखे। ओवरऑल मार्केट में लगभग
3:1 का रेशियो देखने को मिला और जितने भी बैंकिंग फ्यूचर्स हैं 16 के 16 वो हरे निशान में बंद हुए। बेहतरीन दिन, ऐतिहासिक दिन, आप जो भी इसमें आंकड़ा लगाएं वो आज कम है। सुमित जी, मार्केट कैप का आंकड़ा बता रहा है, वही बताया थे, करीब करीब 4.15 लाख करोड़ की निफ्टी 50 की मार्केट कैप बड़ी है। सेंसेक्स की मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ और निफ्टी बैंक 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज ऐड होते हुए दिखाई पड़ी है एक ही दिन के अंदर। खास दिन है इसलिए हमारे साथ आज खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ आज दीपन मेहता है बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ सुमित बागड़िया है, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, आशीष हैं और साथ साथ वीरेंद्र भी हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे, पहले कुछ आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद अगले दिन के बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र बताइए, कल के अब यानी कि नेक्स्ट सेशन के लिए क्या आंकड़े कह रहे हैं, किस तरह के आपने ट्रेंड्स देखे आज मार्केट में? हिस्टोरिकल सेशन, और देखिए इस सेशन की क्रिटिकल बात ये थी कि हमने 11,000 को रीगेन किया, 200 को रीमेन किया, सारे एवरेजेस को रीगेन किया। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहाँ हुई इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद? 11,000 जहाँ पे आज करीब करीब 28 लाख पुट बिकी, 11,200 जहाँ पे आज करीब 22 लाख पुट बिकी। तो इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर हल्का सा रिट्रेसमेंट आता भी है तो ये जो 11,100, 11,150, 11,120 का जोन है वो काम करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे 77 लाख पुट खड़ी है। ऊपर जाते हुए याद रखिए अब 11,300 और 11,500 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है 28 लाख का और 25 लाख का। तो एक हर्डल पॉइंट जो होगा ना याद रखिए वो होता है 11,400 की रेंज में इन आंकड़ों के मुताबिक। अच्छा, निफ्टी बैंक आज एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लेकिन याद रखिए 28,500 और 28,600 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट ओआई खड़ा हुआ है। स्पेशली 28,500 में आज 5 लाख पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग ओआई इन दो स्ट्राइक्स में लगभग अगर आप देखें तो 5.5 लाख का है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग सेशन के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, लेकिन हाँ 28,500 पे एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर 29,500 पे अगर आप देखें थोड़ी बहुत राइटिंग थी, या फिर मैं कहूँ कि बड़ा ओआई खड़ा है तो शायद वो एक आज का हाई भी है, बड़ा ओआई भी खड़ा है तो वो थोड़ा सा चैलेंज पोस्ट करेगा निफ्टी बैंक के लिए आगे चलकर 29,500। चलिए, ये आपको लेवल्स मिले मंडे के ट्रेड के लिए। हमारे पास दो बहुत अच्छे दिग्गज एनालिस्ट हैं बाजार के जो साथ जुड़े हुए हैं, सुमित बगड़िया साहब जो चार्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और आज दीपन मेहता साहब का भी स्वागत है। आप बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और एनएससी और बीएससी पर ब्रोकर हैं। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट्स टुडे में। सबसे पहले प्रश्न आपसे, ये जो फेरबदल और हिस्टोरिक चेंजेस आपको देखने को मिले हैं टैक्स स्ट्रक्चर में, और जो जो भी डिमांड बाजार की थी इन टर्म्स ऑफ सरचार्ज जो हटाया जाए, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या क्या तब्दीलियां आपको बाजार में आती हुई दिख रही हैं? इस टैक्स कट की वजह से जो पूरी इकोनॉमी है उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने रीसेट मोड पे डाल दिया, जिसका मतलब कि जो भी इसके पहले थी की प्रॉब्लम्स थी, एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को रीबूट हो गया। अगर आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप धीरे चलता है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ वायरस है, अगर आप इसको रीबूट करते हैं तो इमीडिएटली आपको परफॉर्मेंस एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट मिलती है। वैसा ही कुछ किया है फाइनेंस मिनिस्टर में, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को रीबूट कर दिया है, रीसेट कर दिया है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन जो है पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है, पूरी जो उनकी दिशा है, दैट विल बी एन अ मच फास्टर पेस एंड एट अ हायर लेवल ऑल्सो। सो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, और इसकी वजह से इमीडिएट शॉर्ट टर्म भी फ़ायदे है, मीडियम टर्म में भी फ़ायदे है, और लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदे है फॉर एवरीबडी, बी एट इंडस्ट्रियलिस्ट, बी एट एम्प्लॉइज, बी एट इन्वेस्टर्स। आई थिंक सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और एक बहुत ही बढ़िया एंड अनइमेजिनेटिव मूव किया है एफएम में, जिसका हम अभी परिणाम देखेंगे ओवर द नेक्स्ट सेवरल क्वार्टर्स और सो। जी मेहता साहब, आपने दो शब्दों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, रीसेट और रीबूट। ये बताइए बाजार में आप क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, निफ्टी खासकर जो हमने देखा आज लगभग 5.2% ऊपर बंद हुआ, 8% की तेज़ी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप अपने कस्टमर्स को सुझा रहे हैं कि वो आप अपने पोर्टफोलियो में रखें? देखिए, इस जो टैक्स कट की एक खास बात ये भी है कि जिन जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस थे, द सेक्टर्स विच हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग द मैक्सिमम, यानी कि NBFCs, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर FMCG कंपनीज, अदर कंजम्पशन कंपनीज, जिनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था,
इन सभी कंपनियों को, इन सभी क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे, ये जो सेक्टर्स थे, देवर अमंग्स द हाइएस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर्स, एंड इमीडिएटली उनका जो है प्रॉफिट्स वो बढ़ जाएगा राइट फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड. जो सितंबर के जो नतीजे आएंगे उसी में जो टैक्स कट का है वो बेनिफिट कंपनी ले लेगी, और जो एक्स्ट्रा टैक्स भरा है उन्होंने का प्रोविजन किया है फर्स्ट क्वार्टर में, उसका वो फ़ायदा लेके डिडक्ट करके टैक्स कट करेगी फॉर सितंबर क्वार्टर. और इसकी वजह से जो अर्निंग्स ग्रोथ है इन क्षेत्रों में, जो एक स्लो डाउन में मोड में थी, वो अर्निंग्स ग्रोथ रिवर्स हो जाएगी एंड वी विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड. तो ये एक जो भी स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है. और एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देन वी शुड बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन दीज सेक्टर्स विच हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग और स्ट्रेस्ड आउट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या फिर FMCG कंपनीज है, अदर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, अप्लायंसेज है, एंटरटेनमेंट है, ऑटो कंपनीज है. आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देर आर मेनी सेक्टर्स विच विल डू वेरी वेल. और एक मैं बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसकी वजह से पूरी साइकिल चेंज हो जाती है और मंदी के बाजार से तेजी बाजार में चले जाते हैं, देन द हायर रिटर्न्स विल कम इन द टीयर टू कंपनीज, इट विल कम इन द स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स. यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करना चाहेंगे तो मेरी राय में आज ज़रूर से HDFC बैंक में अच्छा उछाल देखा है, पर अगले कुछ महीनों में यू विल फील, आई थिंक कि जो टीयर टू बैंक है जैसे कि इंडसइंड बैंक है, RBL है, बंधन बैंक है, विच हैव बीन अफेक्टेड मैक्सिमम ओवर द पास्ट 2-3 quarters, दे विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग द लार्जर बैंक्स. हमने देखा है कि जैसे जैसे तेजी का माहौल शुरू हो जाता है तो जो सेकेंड लाइन बैंक्स, सेकेंड लाइन कंपनीज है, नॉट द मार्केट लीडर्स बट द सेकेंड 2-3 प्लेयर इन द इंडस्ट्री, दे स्टार्ट डूइंग बेटर देन द मार्केट लीडर ऑल्सो, एटलीस्ट वाइल द बुल मार्केट इज ऑन. तो आई थिंक ये जो फिनोमेना है ये शायद देखने को मिलेगा, और अगर इन्वेस्टर के पास रिस्क एपेटाइट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज स्मॉल मिड कैप कंपनीज और टीयर टू कंपनीज विदिन द सेक्टर्स. ओके, आपसे बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे. मिस्टर मेहता, हमारे साथ सुमित बागड़िया मौजूद हैं. सुमित, मार्केट्स को लेकर एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है आज के सत्र में, अब सोमवार के लिए या गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की उम्मीद आप लगा रहे हैं मार्केट्स में? हाय सुमित, देखिए मार्केट्स में आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, और अभी तो मेरे को लगता है कि ये बेस बन के अब ये नई तेजी की शुरुआत हुई है, और जिस तरह के रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा अपमूव हमको आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में देखने को मिल सकता है. तो ये आज जो बेस बना है इसके ऊपर एक डायलॉग सबसे बेस्ट बैठता है, अब की बार निफ्टी 12 के पार बहुत जल्दी हमको ये देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ महीनों में हमको ये देखने को मिल जाए 12,000 के ऊपर के लेवल्स. जहां तक आपका सवाल था अगले हफ्ते का, तो मंडे को ऐसा लगता है कि जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है उसको देखते हुए अगर वीकेंड में कोई भी नेगेटिव न्यूज या अमेरिका से कोई भी ट्वीट नहीं आता नेगेटिव साइड में, तो 100-150 पॉइंट का ऊपर का मूव और हमको निफ्टी में मंडे को देखने को मिलना चाहिए, फिर शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिल सकता है. जी मेहता साहब, ये प्रश्न आपसे. बहुत समय से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे वो बहुत मायूस थे, दुखी थे और नाराज भी थे हमारे बाजार से, हमारे तंत्र से और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे. ये जो दो फेरबदल आपके सामने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोस जो हैं वो वापस बाजार में आएंगे, और अगर हाँ तो अगले 6 महीने में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस लेवल पर देखते हैं? देखिए, मैं दूसरा पार्ट का जवाब नहीं देने वाला हूँ किस लेवल पर देखेंगे. आई थिंक दैट इज़ बेस्ट फॉर द टेक्निकल एनालिस्ट टू प्रिडिक्ट. बट ये जो FII की बात आपने छेड़ी, FII का क्या है कि मैं पिछले 20 साल से जो उनका ट्रेडिंग पैटर्न हमने देखा है उसमें कुछ भी ऐसा कहना मुश्किल है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि इनकी परचेजिंग आएगी या सेलिंग आएगी. इंट्यूटिवली हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक अच्छी डेवलपमेंट है नेशन के लिए, तो इसकी वजह से जो सेलिंग हो रहा है वो सेलिंग बंद होकर बाइंग होना शुरू होना चाहिए, और शायद कुछ ट्रेडिंग सेशन ये हो भी रहेगा. लेकिन ओवर द मीडियम टर्म, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, उनकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उनका क्या अप्रोच रहेगा इंडिया के लिए, वो कहना बहुत ही मुश्किल है. ये जो FIIs है, कभी बेच के जाते हैं, कभी खरीद के जाते हैं, क्यों बेच के जाते हैं, क्यों खरीद के जाते हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है. पर इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियन डोमेस्टिक फ्लोज है दे विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग. अगर आप देखेंगे तो पिछले कम से कम 2 सालों से
जो SIPs है वो ग्रेजुअली बढ़ ही रहे हैं, और जिन इन्वेस्टरों ने इस मार्केट की बॉटम लेवल्स पर SIP के इन्वेस्टमेंट किए हैं, आई थिंक दे विल सी वेरी गुड रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और सो, और उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा, एंड वी हैव इनफ फाइनेंशियल सेविंग्स एंड अदरवाइज इन द कंट्री फॉर द लिक्विडिटी टू कम इनटू द स्टॉक मार्केट. और एक बात ये भी है कि कोई बड़े IPOs, कोई बड़ा QIP भी नहीं है, सो लिक्विडिटी इज देयर एंड देयर इज नॉट सो मच ऑफ सप्लाई, सो यू विल हैव द टेक्निकल बेनिफिट एज वेल. ओके सुमित, कुछ कॉल्स आपने आइडेंटिफाई करके रखी हैं इस गैप अप या इस बड़ी तेजी के बाद भी कुछ शेयर्स हैं जो कि आपको लगता है चलेंगे अगले हफ्ते में? बिल्कुल, पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा. ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपमूव हमको बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है. स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए. आज की जो क्लोजिंग है 568, यहाँ से कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं. 540 का इसमें लगाना है स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स होंगे 600 रुपए तक के. ये पहला स्टॉक. दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया. ये स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में है. स्टॉक ने बहुत अच्छा अपमूव दिखाया है. आज लोअर लेवल से करीब करीब 150 या 200 रुपए का अपमूव हमको देखने को मिला है. स्टॉक के अंदर CNBC से कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है तो ब्रिटानिया के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी. नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 2750 का, और ऊपर में 2950 और 3000, ये लेवल्स हमको नेक्स्ट वीक में ब्रिटानिया में देखने को मिल सकते हैं. तो दो नाम, एक है M&M और दूसरा है ब्रिटानिया. वैसे भी काफी ज्यादा पिटाई ब्रिटानिया में देखने को मिली, उसके बाद अब सुमित को लगता है कि यहाँ से तेजी रहेगी. 2950 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और दूसरा नाम है M&M का, 600 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ साथ तमाम जानकार भी हैं उनसे भी चर्चा जारी रखेंगे. आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आज के जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद सुमित बगड़िया हैं, साथ साथ दीपन मेहता हैं, आशीष है और वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं. आगे हम जानकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष से एक बार अगले हफ्ते के जो खास ट्रिगर है वो समझ लेते हैं. बताइए आशीष, क्या है अगले हफ्ते का ट्रिगर? देखिए भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में भी, और एक्शन की शुरुआत दरअसल आज शाम से हो जाएगी. PM मोदी एक हफ्ते के दौरे पे जा रहे हैं अमेरिका, और ऑलमोस्ट 20 bilateral मीटिंग scheduled हैं, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है. संडे को हॉस्टन टेक्सास में वो मोदी इवेंट है, आपको याद होगा हाउडी मोदी, जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा इंडियंस होंगे और पार्टिसिपेट करने वाले, और साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहाँ पे शिरकत करेंगे. ये शाम को, संडे को 8 बजे इवेंट होगा. मंडे को ध्यान रखें PM एड्रेस करेंगे वहाँ पे 2019 क्लाइमेट एक्शन समिट को, जो कि UN सेक्रेटरी जनरल साहब ने होस्ट करी है. बुधवार को यानी कि वेनसडे को एक्सिस बैंक की बोर्ड मीट होनी है, वो QIP इशू इन्वेस्टर्स को जारी करने की मंजूरी मिलेगी. गुरुवार को एक्सपायरी का दिन होगा, और ये मंथली एक्सपायरी है, सितंबर वायदा की एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है. और साथ साथ ध्यान रखें निफ्टी 50 में बदलाव होने हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का निफ्टी 50 में आखिरी दिन है, और फ्राइडे ऑनवर्ड उसकी जगह नेस्ले इंडिया लेने जा रहा है. और साथ साथ ये आखिरी दिन होगा थर्सडे का 12 FNO के स्टॉक्स के लिए. एक्सपायरी के साथ ये लोग सब के सब बाहर हो जाएंगे कैश मार्केट के स्टॉक. जी जी आशीष जी, इन आंकड़ों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वापस बाजार पर आते हैं, सुमित जी हमारे से जुड़े हुए हैं. सुमित जी, राय दीजिए HDFC बैंक पर, ICICI बैंक पर और एक्सिस बैंक पर, किस हिसाब से आप इन चार्ट्स को देख रहे हैं और मंडे पे आप क्या करेंगे? तीनों में बहुत अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, बाय का व्यू रहेगा. HDFC बैंक ब्रेकआउट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है. कोई भी प्रॉफिट बुकिंग प्रेजेंट लेवल से देखने को मिलती है तो उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी होगी. स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो है 1210 का. 1210 का लेवल टूटता है तो और रैली देखने को मिलेगी 1230 की तरफ, और नीचे में जो सपोर्ट है 1150-1160 के आसपास है. दूसरा स्टॉक ICICI बैंक. ICICI बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है, 200 DMA लेवल्स को टेस्ट करके तेजी दिखाई है. स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 430 का है, तो पहला टारगेट बनेगा 430 का. उसके बाद और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 408-409 के आसपास लगाए. एक्सिस बैंक, ये स्टॉक भी बहुत मजबूत है और एक आज बहुत अच्छा अपमूव दिया है. स्टॉक के अंदर इमीडिएटली यहां से ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा चार्ट्स के ऊपर वो है 696-700 का. ये टारगेट्स के बाद और भी ऊपर के लेवल बनेंगे. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 660-670 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं. चलिए सुमित जी और दीपन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये ऐतिहासिक दिन आज हम लोगों ने बाजार में गुजारा, एक से एक बेहतरीन आपको गेंस देखने को मिले, और 4 और 5 स्टॉक कॉल्स आप याद रखिए दोनों तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक पर लॉन्ग कॉल्स आपको मिली हैं मंडे के ट्रेड के लिए. लेकिन अब
एक और अच्छी खबर आपको सीएनबीसी की आवाज़ की तरफ से मिलेगी। इस वक्त भारत की पहचान स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले देश के तौर पर बनी हुई है। देश में रोज़ नए आइडियाज से बिजनेस की शुरुआत हो रही है और पूरी दुनिया में के बड़े से बड़े निवेशक इन स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। भारत का सुनहरी भविष्य इन्हीं स्टार्टअप्स में छुपा हुआ है, इसीलिए सीएनबीसी आवाज़ लेकर आ रहा है एक खास शो स्टार्टअप नेशन। तो इस सोमवार से शाम 6:57 पर रोज आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए स्टार्टअप्स की दुनिया में एक से एक बेहतरीन और फर्स्ट क्लास कंपनीज कहां कहां निवेश हो रहा है और कहां कहां इन कंपनीज ने इकोनॉमी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मंडे से शुरुआत हो रही है स्टार्टअप नेशन की 6:57। चलो तो मार्केट टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज आपने भरपूर पैसा कमाया होगा सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहने के बाद, और जो पैसा कमाया उसे वीकेंड पे एंजॉय करिए। हैव फन, फिर मिलेंगे मंडे को। नमस्कार, धन्यवाद।